साउथ ईस्ट दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में बदमाशों ने एक 24 साल के युवक की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देर रात तुगलकाबाद इलाके में विक्की की चाकू घोंपकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। गंभीर हालत में विक्की को एम्स अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। विक्की के पेट पर चाकुओं से कई बार हमला किया गया, जिसकी वजह से उसके पेट में गहरे जख्म हो गए थे और उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूत्रों का कहना है कि इस इलाके में जुए के कई अड्डे पुलिस की नाक के नीचे चल रहे हैं। कत्ल के इस मामले में भी जुए का एंगल सामने आया है। गौरतलब है कि ये दिल्ली का वो इलाका है जो चाकूबाजों का अड्डा और बदमाशों की सहरगा बनता जा रहा है। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट ने पालम विहार में मुठभेड़ के बाद सोमवीर नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया है। दरअसल पालम विहार क्राइम यूनिट को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि जींद का रहने वाला सोमवीर नाम का बदमाश गुरुग्राम में किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से घूम रहा है। इसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने धर्म कॉलोनी के पास नाका लगाया गया था, जिसके बाद बदमाश सोमवीर को गिरफ्तार कर लिया गया।